तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2A के बारे में बताता हूँ। नवंबर 2019 न्यू सिलेबस और SFM। क्वेश्चन नंबर 2A में क्या गफलतें हुई है और मेजर इशू क्या है, मतलब इट्स नॉट अबाउट कि बहुत लोगों को गलत मार्क्स मिले हैं। दो इश्यूज़ है जो मैं बेसिकली डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहला इशू था कि बोनस प्लान जो था उसके अंदर मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज़ीरो लेनी चाहिए थी या जो कॉस्ट दी थी 19.95 वो लेनी चाहिए थी। इंस्टीट्यूट ने आंसर सजेस्टेड जो भेज दिए हैं उसमें आप क्लियरली देख सकते हो, इंस्टीट्यूट ने बोनस प्लान के कैलकुलेशन में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये रहा, इंस्टीट्यूट ने बोनस प्लान के कैलकुलेशन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को 19.95 कंसिडर किया है, जबकि बोनस यूनिट्स जो मिले हैं उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज़ीरो होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे बोलोगे सर इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में भी 19.95 लिया गया था, इंस्टीट्यूट मार्क्स उसी हिसाब से देगी। अगर हमने 22.93 माइनस ज़ीरो लिया तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा आपका कहना हो सकता है, बट ये गलत है। मेरे पास एक पेपर है जिसमें मैं आपको क्लियरली ये दिखा सकता हूँ कि 22.93 माइनस ज़ीरो लेने के बाद में भी इंस्टीट्यूट ने पूरे मार्क्स दिए हैं उस बंदे को। तो मैं आपको पेपर दिखाना चाहता हूँ, कौन सा वाला है, 10 नंबर का पेपर, आ जाओ। उसके बाद मैं बात करूँगा कंपाउंडेड और सिंपल रिटर्न की। पेज नंबर 8 आई थिंक, ये पेज नंबर 8 है। अच्छा, आपको पहले मैं मार्किंग स्कीम समझा दूं क्या, नहीं तो आपको ऐसे तो पता नहीं चलेगा। यहाँ देखो, आपको इस बंदे को 2A में 8 मार्क्स मिले हैं, और सबसे पहले मैं आपको एक काम करता हूँ सर, मार्किंग स्कीम दिखाता हूँ। मेरे पास में एक पेपर है जिसको पूरे के पूरे मार्क्स मिले हैं 10, ठीक है। तो स्टेप्स में बता देता हूँ किस किस स्टेप्स पे कितनी मार्क्स है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार आपको कितने मिलने चाहिए थे, और इस बंदे के मार्क्स जो है वो काटे नहीं है इंस्टीट्यूट ने ज़ीरो लेने के बाद में भी। तो ये है पेपर नंबर 6। देख रहे हो यहाँ पे इसको कितने मिले क्वेश्चन 2A में, 10 मार्क्स मिले, ठीक है। अब मैं स्टेप्स बता रहा हूँ आपको क्या है, ध्यान देना। उसके बाद मैं वापस उस पर जाता हूँ और वो ज़ीरो वाली फिगर बताता हूँ। आ जाओ, तो ये इनका शुरू हुआ था प्लान ए, ठीक है। सबसे पहले इंस्टीट्यूट ने मार्क्स जो दिए हैं वो है इस फिगर पे, एसटीटी के जस्ट पहले वाली फिगर। उसके बाद ये जो 13,15,000 सॉरी ये जो है एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का इम्पैक्ट लेने के बाद जो फिगर आई है ये 13,14,895, उस पर एक मार्क्स दिया। ये सब में सेम ही ट्रीटमेंट दी गई है, स्टेप मार्किंग मैंने चेक कर लिया है, ठीक है। एक मार्क यहाँ, एक मार्क यहाँ, और एक मार्क इस फाइनल आंसर को। तो ये था सिर्फ पहला पार्ट जिसमें तीन जगह आपने आंसर देखे, तीन मार्क्स देखे पहले वाले पार्ट में जो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट वाला है। बोनस वाले में भी यही किया इन्होंने, जहाँ पे पहला आंसर एंड हो रहा है वो है 1723, वहाँ एक मार्क्स दिया। फिर एसटीसीजी और एसटीटी का नेट ऑफ लेने के बाद में जो 17,15,000 आया उसको एक मार्क दिया, और उसके बाद जब रिटर्न कैलकुलेट किया तो उसको एक मार्क दिया। तो तीन ये 6 हो गए, ठीक है। अब प्लान सी के बारे में, ये प्लान सी है। प्लान सी में उन्होंने सिर्फ दो ही मार्क्स दिए हैं, एक सीधा सीधा उन्होंने एसटीसीजी के बाद जो कैलकुलेशन आता है वो लिया 1638, उसको एक मार्क्स दिया, और जो एनुअल यील्ड निकाला उसको एक मार्क्स दिया। तो 3-3-2, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड वाला पार्ट था कि किसका यील्ड ज़्यादा है ये हमको बताना है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें उन्होंने दो मार्क्स दिए, तो आपको पहले बताना है कि मिस्टर आशीष का है या मिस्टर अमित का है। मिस्टर अमित का यील्ड ज़्यादा है, और उसके बाद में उसका डिफरेंस भी निकाल के बताना है, 3.74। तो इन दो चीज़ों को मार्क्स मिले हैं, 1 और 1, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ अभी फिर से ताकि आपको एक आइडिया आ जाए, और आप देखो कहानी। तो पहले वाले पार्ट में टोटल मिला के 3 और 3 6 और 2 8 मार्क्स है, और दूसरे वाले पार्ट में 2 मार्क्स है। इसके भी मैंने आपको बाइफर्केशन बता दिया, ठीक है। और
जो 8 मार्क्स है वो प्लान ए को 3, प्लान बी को 3, प्लान सी को 2। अब सर मैं आपको वो वाला पेपर दिखाता हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जीरो लेने पे मार्क्स कटे हैं आपके, तो गलत हुआ है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कटना चाहिए था। अब इस बंदे को कितने मार्क्स मिले सर? 8 मार्क्स मिले। ठीक है, पेज नंबर 9 देखो। पहले वाले पार्ट में उसको पूरा 3 मिला है। यहाँ पे 1723 पे 1 मार्क्स मिला उसको, ये सारी इन्फॉर्मेशन दिया उसको, 1 मार्क्स मिला, और यील्ड पे 1 मार्क मिला। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वाला प्लान था बोनस, ठीक है। सेकंड वाला प्लान नहीं, सॉरी मैं थोड़ा ऊपर आ गया, ये पहला पार्ट था। ग्रोथ प्लान इन्होंने एक्चुअली उल्टा लिखा है, पहले कुछ और, पहले कुछ और। अच्छा, पहले इन्होंने प्लान सी लिया तो उसके उनको 2 मार्क्स मिल गए, देख रहे हो क्लियरली। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्लान सी, ठीक है मिस्टर आशीष। इसके बाद इन्होंने लिया प्लान बी, ठीक है। प्लान बी में कितने थे? 3 मार्क्स थे। इनको तीनों मार्क्स मिले हैं, 1, 2, 3। और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि 22.98 माइनस 0 लिया इन्होंने, 19.95 नहीं लिया। तो अगर इन्होंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स आ रहा था वो 34,000 लिया था। सेम चीज़ मैंने भी आपको करके दी थी, और मैंने दोनों चीज़ें लिखा था उसमें, इंस्टीट्यूट के मटेरियल के हिसाब से भी दिया था, और नीचे ये भी लिखा था कि बोनस की एक्विजिशन कॉस्ट 0 भी ली जा सकती है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट तो यही है, लेकिन इंस्टीट्यूट के मटेरियल के हिसाब से 19.95 लो तो भी सही है। अब अगर कहीं पे भी, मेरे पास एक भी पेपर ऐसा नहीं निकला है क्योंकि सब ने 19.95 ही लिया है जो इंस्टीट्यूट के हिसाब से है, बट अगर आप लोगों ने कहीं पे भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 ली होगी और उस पर मार्क्स काटा होगा तो वो गलत है सरासर। हाँ, आंसर आपका मैच होना चाहिए सर, प्लीज़ मेक श्योर कि 1685, 583 ही आ रहा हो। तो यहाँ सबसे बड़ी एक गलती है, और इससे बड़ी गलती मैं इंस्टीट्यूट की बताता हूँ, जहाँ पे इंस्टीट्यूट ने बहुत खेला है जो कि गलत है। ये 2 हो गए। अब आती है बारी वर्डिंग्स पे खेलने की, ध्यान देना। क्वेश्चन ने क्लियरली यहाँ पे वर्ड यूज़ किए हैं, इफेक्टिव यील्ड पर एनम निकालना है, ठीक है, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है पता है? अभी फाउंडेशन पे हो गया, पहले इंटर एफएम पे था। इफेक्टिव रिटर्न का मतलब होता है आप कंपाउंडेड निकालते हो, दिस इज़ नॉट अ सिंपल रिटर्न। अब इंस्टीट्यूट ने जो सजेस्टेड दिया है, ठीक है, उसमें उन्होंने हर जगह पे सिंपल रिटर्न निकाला है। आप देख सकते हो 12/124 किया है, दिस इज एवरेज आउट करना, दिस इज नॉट कंपाउंडिंग, दिस इज जस्ट एवरेजिंग आउट, ठीक है। 12/124 किया है, 12/124 किया है, और तीसरे वाले प्लान में भी सेम चीज़, तीसरे, दूसरे, पहले, सब जगह पे इन्होंने एवरेज आउट किया है। अब बहुत लोगों ने क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोगों ने इंस्टीट्यूट के हिसाब से ही लिखा है, और बहुत सारे लोगों ने कंपाउंडिंग ली है। और जब कंपाउंडेड लेते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है मैं आपको बताऊं? सर फॉर्मूला बनता है कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1+r^n। अब इस फॉर्मूले से आंसर अगर किसी ने निकाला है तो उनको गलत मार्क्स दिए गए हैं, जबकि सेम चीज़ इंस्टीट्यूट ने की है एक पेपर में, और वो भी बहुत पुराना नहीं है, ये प्रूव करके दिखा सकते हैं। इस बार हर जगह पे उन्होंने मार्क्स काटे हैं जिसने भी ये फॉर्मूला यूज़ किया है। मैंने मेरे सजेस्टेड, जैसे इंस्टीट्यूट के आने के पहले जब मैंने सजेस्टेड रिलीज़ किया तो मैंने भी यही फॉर्मूला यूज़ किया था। वाई? इफेक्टिव का कुछ मतलब होता है, ठीक है। चलो ठीक है, अब मैं पहले आपको बताता हूँ कि किस बच्चे को गलत दिया गया है इस मेथड के हिसाब से। 4 नंबर, 6 नंबर, और आप अगर उसको मार्क्स दे देते ना तो वो कहीं ना कहीं इतना पास पहुंच जाता कि उसके 40 क्रॉस हो जाते सर। कितने मार्क्स मिले इसको? सिर्फ 2, 2 है या 3 है? 3 है शायद, 3+1, 4, ठीक है। अब इसको टोटल सिर्फ 33 मिले हैं। मेरे हिसाब से तो देखो, इसको 8 मार्क्स तो ये डिज़र्व था ही, इसको मिलने चाहिए थे। मैंने कोई गलत पेपर निकाला है क्या? नहीं, सही है। अब इसको 3 मार्क्स तो दे दिए यहाँ पे, मैं बताता हूँ काटे कहाँ कहाँ पे और किस बेसिस पे काटा। सबसे हैरानी वाली बात मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे, 10
इंस्टीट्यूट ने जो 3 मार्क्स दिए हैं उसके मैं टोटल बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे 1 मार्क्स दिया, उसके बाद यहाँ पे भी 1 मार्क्स दिया था लेकिन काट लिया बाद में, लेकिन उन्होंने बाद में क्या किया, काट लिया उसको। अब क्यों काटा इसका डिफरेंस मैं बताता हूँ। पहला प्लान है ये 2636, ये देखो कितना आंसर आ रहा है, 13,000, 14,895। इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड ही देख लेते हैं। मैं मैच करा देता हूँ आपको सारे आंसर्स, ध्यान देना। 13,18,084.38, 13,18,084.38 उधर भी मैच हो रहा है, 1 मार्क्स मिल गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद STT 2636 का कैलकुलेशन, उधर STT 2636 का कैलकुलेशन, ये आता है 13,15,448, उधर था 13,15,448। अब सिर्फ फ़र्क कहाँ आया मैं बताता हूँ, STT इसने लिया 553, सॉरी STT नहीं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स इसने लिया 553 और वहाँ लिया हुआ है 542। तो इसके हम कैलकुलेशन पे जाते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसके कैलकुलेशन को लोगे तो इसने क्या किया, 53.75 माइनस 48.10 ले लिया। मेरे को क्वेश्चन पेपर देखने दो कहीं, हाँ इसने क्या किया, 53.75 माइनस 48.10 लिया, जबकि इंस्टीट्यूट में क्या लिखा है आप अगर ध्यान से देखोगे उसी लाइन में, तो ये इंस्टीट्यूट ने 53.64 माइनस 48.10 लिया। तो फ़र्क कहाँ आया, सिर्फ इस फिगर पे आया 53.75 पे, इंस्टीट्यूट ने लिया 53.64 पे। अगर आप लॉजिक लगाओगे ना तो 53.75 लेस 0.2% अगर आप करोगे तो 53.64 आता है। इंस्टीट्यूट ने क्या किया और इसने क्या नहीं किया ये मैं बताता हूँ। इसने इस प्राइस में से STT माइनस नहीं किया, इंस्टीट्यूट ने STT माइनस कर दिया 0.2%, बस ये 10 रुपये का फ़र्क उसी वजह से आया है। अब आप बोलोगे सर फ़र्क तो आया ना, मार्क्स तो कटने चाहिए, इसका भी मैं जवाब देता हूँ। इंस्टीट्यूट ने 53.64 जो प्राइस लिखी है ना, वो कैसे लिखी है मैं बताता हूँ, देखो 53.75 लेस 0.2% का STT तो आया 53.64। अब मेरा सिंपल सा बोलने का मतलब है, बंदे ने ये लिया, इंस्टीट्यूट ने ये लिया, ठीक है, और यहाँ पे एस्ट्रिक डाला, एस्ट्रिक डालने के बाद क्या लिखा उस चीज़ पे ध्यान देना आप। एस्ट्रिक डालने के बाद आखिरी में जाओ, सीधा सीधा आखिरी में जाओ, यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली फिगर, अच्छा मैं आपको ऐसे पढ़ के दिखाता हूँ, ऑल्टरनेटिवली ये रहा, ऑल्टरनेटिवली फिगर ऑफ स्टार जो एस्ट्रिक है एंड दिस कैन बी टेकन विदाउट नेट, मेरे को नहीं आता वो क्या सिंपल है, कैन बी टेकन विदाउट नेट ऑफ टैक्स। इंस्टीट्यूट आखिरी में बोल रहा ना कि हम विदाउट नेट ऑफ टैक्स ले सकते हैं, तो विदाउट नेट ऑफ टैक्स क्या फिगर हुई, ये वाली। अब मैं इंस्टीट्यूट के ही बुक सजेस्टेड में मैच करा के दिखाऊँ आंसर, ये रहा वो 553 जो बच्चे ने लिया है, ये रहा वो 553, ऑल्टरनेटिव आंसर दिया है उसको, ये रहा 13,14,895, इसमें से 2 लाख माइनस होगा आगे तो आएगा 11,14,895, उस वहाँ पे भी इंस्टीट्यूट ने 11,14,895 लिखा है। वर्ड एक एक फिगर मैच हो रही है, सिर्फ ये 0.11 और 0.10 का फ़र्क है, 1 पैसे का सिर्फ, और आपने उसको यहाँ पे मार्क्स देने के बाद काट दिया। किस बेसिस पे, क्योंकि जो पेपर चेक करने वाला है उसने नोट नहीं पढ़ी, उसने तो बस ऐसे ही जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, बिल्कुल गधों की कैटेगरी तो दिखाऊं मैं आपको, बस सर उसने ऐसे रखा एक एक फिगर मैच की, जहां मार्क्स, जहां मैच नहीं हुआ वहां मार्क्स काट दिए, पता चल रहा है। अब ये तो था एक और डिबेट, अब मैं बात करता हूँ, बच्चा आगे आया, ठीक है, बच्चे ने आंसर निकाला और आंसर में उसने ये मेथड से निकाला, कंपाउंड अमाउंट, अच्छा मैं आपको उसका फॉर्मूला दिखा देता हूँ पहले, ये रहा ये है, उसने फॉर्मूले में
ये जो अल्फाबेट से ये अलग यूज किया है, बेसिकली फॉर्मूला बनता है पी यानी कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू एन यानी प्रिंसिपल इज इक्वल इन टू वन प्लस आर टी. उसने वही फॉर्मूला यहाँ पे रखा, ठीक है. 13,48,95 इज इक्वल टू 2,00,000, 1 + r^10.33. उसने पहले गलत कैलकुलेशन किया, लेकिन खुद ही काट के उसने नीचे में सही कैलकुलेशन किया और उसका आंसर आया 20%. आप अगर मेरा सजेस्टेड देखते तो उसमें भी 20% है. फ़र्क क्या है पता है? यहाँ पे मार्क्स नहीं मिले उसको, एक और मार्क्स यहाँ पे मिलना चाहिए था, मार्क मिलना चाहिए था, नहीं मिले. क्यों? फ़र्क क्या पता है? इंस्टीट्यूट ने ऐसा कंपाउंडेड आंसर नहीं निकाला, इंस्टीट्यूट ने सिर्फ सिंपल आंसर निकाला, 12/124×100. तो आंसर आया 73.33, क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू का इफेक्ट है ही नहीं, इसलिए रिटर्न ज़्यादा दिख रहा है एनुअल. यहाँ टाइम वैल्यू का इफेक्ट लेते तो 20% एग्जैक्ट आता है. अब आप बोलोगे सर इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी आप देख लो तो 12/124 ही मिलेगा, इस बच्चे को किसने बोला ऐसे कंपाउंडेड निकालने के लिए? सर आप बोल रहे हो वो सही है, लेकिन इंस्टीट्यूट ही के मटेरियल के हिसाब से ही तो मार्क्स मिलते हैं, तो आपने जो बोला वो सर नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि हमको उससे मार्क्स नहीं मिलते, कंपाउंडेड नहीं लेना चाहिए था बच्चे ने. ऐसा अगर आप बोल रहे हो तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इंस्टीट्यूट ने खुद ये मेथड यूज़ की थी. कितने टाइम पहले? सिर्फ एक अटेम्प्ट पहले, एक अटेम्प्ट पहले खुद ये मेथड यूज़ की थी, अल्टरनेटिव आंसर में दिया था. इंस्टीट्यूट ने बोला था आप 12/124 भी लिखो, आप ये भी लिखो, अल्टरनेटिव आंसर है तो मार्क्स मिलने चाहिए ना. अब आप बोलोगे सर कहाँ? May 19 का जो पेपर था उसमें सेम क्वेश्चन आया था. सर ऐसे कैसे हो सकता है? May 19, November 19 में सेम क्वेश्चन कैसे आ सकता है? एग्जैक्टली, May 19 के न्यू सिलेबस में नहीं आया था, May 19 के ओल्ड सिलेबस में ये क्वेश्चन आया था. आओ दिखाता हूँ. हम जाते हैं ओल्ड सिलेबस में, फाइनल कोर्स SFM स्ट्रेटेजिक, कहाँ आ जाएगा सजेस्टेड आंसर्स, और हम निकालेंगे May 29, ठीक है. इसमें क्वेश्चन नंबर 6A पे आ जाओ, सीधा सीधा 6A नहीं, सॉरी 6B. सेम क्वेश्चन है, वही डिविडेंड, वही बोनस रेशियो, इसमें सिर्फ ग्रोथ प्लान नहीं है, एवरीथिंग इज सेम. यू कैन रीड दैट क्वेश्चन, और यहाँ पे क्लियरली लिखा है इफेक्टिव यील्ड पर एनम, ठीक है. और अब आंसर निकाला गया, 6B का आंसर मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है. पहले तो इन्होंने ऐसे ही कैलकुलेट किया, क्योंकि इसमें 12/124 नहीं, 3 साल है तो 1/3 लिखा, 1 साल डिवाइडेड बाई 3 साल. 12/124 यानी मंथ्स बाय मंथ्स लिया था, यहाँ 1/3 साल में लिया, ठीक है. लेकिन नीचे में आप ध्यान दो, इन्होंने अल्टरनेटिवली निकाला है. अल्टरनेटिवली इट कैन बी कंप्यूटेड बाई यूजिंग IRR मेथड एज फॉलोज, और IRR मेथड यूज करके इनका आंसर 9.21 आ रहा है. सर फिर भी आपने जो फॉर्मूला बताया वो इससे मैच नहीं करता. मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ लिखने का डिफरेंस है, अदरवाइज जो मैंने लिखा और जो ये है यहाँ लिखा हुआ है वन एंड द सेम थिंग. दोनों में टाइम वैल्यू कंसिडर की गई है. मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ. एग्जैक्ट फिगर के लिए मैं ये सेकेंड वाला पार्ट ले लेता हूँ, ठीक है. बोनस प्लान जो May 19 ओल्ड सिलेबस क्वेश्चन नंबर 6B है, उनमें उन्होंने दिया है ये मेथड. अगर आपको ये मेथड से सही आंसर देना ही नहीं था तो अल्टरनेटिव में दिया क्यों? चलो मैं निकालता हूँ, 18.40 आ रहा है ना, मैं अपने हिसाब से निकालता हूँ आंसर. देखो क्या फॉर्मूला बताया मैंने, कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 + r^n. कंपाउंड अमाउंट है इनकी 829,741, ठीक है, ये रही, और इज इक्वल टू 5,00,000×1 + r^3, क्योंकि 3 साल है, ठीक है. अब ये 5 लाख इधर आ जाएंगे तो क्या लिखेंगे सर हम, 829,741 डिवाइडेड बाय 5,00,000×1/3 होता है, इधर आने के बाद क्यूब रूट हो जाएगा 1 + r. सॉल्व करें सर कैलकुलेटर पे इसको, 829,741 डिवाइडेड बाय 5 लाख, ये आता है सर 1.659
482 का क्यूब रूट या वन टू द पावर 1/3। अब मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं बता रहा हूँ, सीधा इसका क्यूब रूट निकाल के बताता हूँ। मेरे इसमें फंक्शन है, कितना आंसर आ रहा है सर, 1.1839 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, चार डिजिट में अगर मैं उसको रोकूँ तो, इज इक्वल टू 1+r, r इज इक्वल टू 0.1839 और r इज इक्वल टू 18.40%। ठीक है, आपने क्या निकाला सर, ये सॉरी आप इधर ये ले लो, मैं थोड़ा भावुक हो गया, 39%। क्या डिफरेंस है बताओ 8.40 में 8.39 में? लिखने का तरीका अलग है, ये थोड़ा और समझ में आता है जो मैंने लिखा उधर की, वो तो क्योंकि फाउंडेशन लेवल पे पढ़ाया जाता है, ये तो चलो ठीक है, इसमें रटना पड़ता है यार दो तीन चीज़ें, मैं बताता हूँ उसको कि हायर रेट लोअर रेट लेना पड़ता है, इसका भी सिंपल तरीका है जो क्लास में पढ़ाया था। सॉरी सॉरी, वी शुड नॉट टॉक अबाउट द क्लासेस हियर। सो सही आंसर है मे 19 ओल्ड सिलेबस सजेस्टेड। आप अगर बोल रहे हो कंपाउंडेड नहीं लेना चाहिए, गलत होता है, तो इंस्टीट्यूट ने मे 19 में लिया एक अटेम्प्ट पहले ओल्ड सिलेबस में, तो भैया क्यों मार्क्स काटे? मेरा कहना यह है कि क्यों मार्क्स काटे? अब जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ उस बंदे के वापस आते हैं, ठीक है, थीके? अब उस बंदे ने कंपाउंडेड किया, ऑल्टरनेटिव ले लिखा, यानी आप एक आंसर लिख सकते हैं हम। अब आप अगर मेरे को पूछोगे सर एग्ज़ाम में क्या करें, हम एक काम करते हैं सारे ऑल्टरनेटिव आंसर छोड़ देते हैं, आप कितना भी थम रूल बना लो कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको फ्रैंकली अगर बोलूँ तो, क्योंकि सही कुछ और होता है और इंस्टीट्यूट कुछ और करता है, वहाँ पे सब गड़बड़ हो जाती है। अब ये जो बंदा था, इसका 20% आया, ये यहाँ पे पूरे 3 मार्क्स मिलने चाहिए थे, कितना मिला उसको, सिर्फ 1। ठीक है, सेकंड वाले में भी उसको प्लान बी है ना, ये सेकंड वाले में उसने थोड़ी सी गलती कर दी, उसी की गलती है एक पॉइंट पे, मैं मानता हूँ 22.98-0 लेना था या तो, और 22.98-19.95 लेना था, उसने 19.95 फिच ले लिया, लेकिन उसके पहले के स्टेप तक उसको मार्क्स मिलना चाहिए था, उसको मार्क्स मिला, एक मार्क मिला है, ठीक है उसका, तो उसके अभी तक कितने कटे, 2 मार्क्स कटे। अब ग्रोथ प्लान आते, ग्रोथ प्लान सर पूरा का पूरा सही है, 22.58%, ये मैंने मेरे इससे भी चेक कर लिया, अगर आपको भी चेक करना है सेम कैलकुलेशन करके कर लो, यहाँ 2 मार्क्स उसको मिलने चाहिए थे, नहीं मिले, 4 मार्क्स कट गए, ठीक है, और ये वाला पार्ट भी उसका क्लियरली सही है, इसमें 1 मिलना चाहिए था क्योंकि उसने डिफरेंस नहीं निकाला, इसलिए 1 नहीं मिला, टोटल मिला के 5 मार्क्स उसके कटे हैं, 33+5=38। उसके बाद में मैंने एक और चीज़ चेक नहीं की है उसकी, जहाँ पे मेरे को लगता है कि उसको मार्क्स मिलना चाहिए, वो है क्वेश्चन नंबर 5A, वहाँ पे 2 मार्क्स क्लियरली लिखा हुआ है, इसमें नहीं मिलेगा आपको, मैंने ये इसमें लिखा है उसी के पेपर में, तो 38+2 एग्जैक्ट 40 हो रहे थे। अब आई डोंट नो उनके टोटल कितने हैं, ठीक है, और नाम भी नहीं पता अब तो मेरे को, यहाँ लिखा है सॉरी इस पे, तो अगर उनके 37 मार्क्स से अगर ग्रुप निकल सकता था तो पेपर भी निकल सकता था, ग्रुप भी निकल सकता था, ऑल एंड ऑल सब कुछ सही है सर। अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों का क्या कहना है, मैंने पोलिंग कराई टेलीग्राम चैनल में, पोलिंग कराई मैंने बच्चों से पूछा, अरे आप ही बता दो यार, आप ही बता दो कि किसको ये कंपाउंडेड होना चाहिए था या क्या होना चाहिए था। ठीक है, बच्चों का दिमाग इंस्टीट्यूट से ज़्यादा चल रहा पेपर चेकर वालों से। लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, हु ऑल थिंग्स दैट इन नवंबर 19 न्यू सिलेबस क्वेश्चन 2A डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट बोनस एंड ग्रोथ क्वेश्चन ईल्ड शुड हैव बीन एवरेज ईल्ड और कंपाउंडेड ईल्ड। तो मैंने 2 ऑप्शन डाले, एवरेज का मतलब सिंपल ईल्ड और कंपाउंडेड ईल्ड, 53%, 300 वोट आए अभी तक क्योंकि मैंने बस 15-20 मिनट पहले डाला, 300 में से आधे से ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कंपाउंडेड होना चाहिए, और जो सिंपल बोल रहे हैं, मैं लॉजिकली अगर मैं बताऊँ ना सही क्या है तो कंपाउंडेड सही है, बट मार्क्स के हिसाब से इंस्टीट्यूट ने दोनों बोला था ना एक बार कि ये भी, तो दोनों के हिसाब से कुछ भी लिखो, आंसर द थर्ड आंसर मैंने जानबूझ के नहीं डाला, एवरेज या कंपाउंडेड दोनों में से कुछ भी चलता, तो यहाँ इंस्टीट्यूट ने गलती की। सो आई होप क्या बोल रहा था मैं, ये गलतियाँ बहुत लोगों के इसमें हुई है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 2A और 3C हमने आज कंप्लीट कर लिया, अभी क्वेश्चन नंबर 5A और 6 में, आई थिंक 4, 5, 6 में कुछ कुछ होगा, तो मैं एक और वीडियो लाऊंगा, एक या दो वीडियो और आएंगे इस पर, जहाँ मैं इंस्टीट्यूट की गलतियाँ बताऊँगा और बच्चों की भी गलतियाँ बताऊँगा। मैं फिर से आपको यही चीज़ कह रहा हूँ कि
80% 90% गलती स्टूडेंट्स की ही है, मार्क्स अगर कम मिले हैं तो। लेकिन कम से कम मतलब ऑन एन एवरेज बोल सकता हूँ मैं 3-4 मार्क्स 5 मार्क्स, बहुत लोगों को ऐसा है कि 4-4 5-5 मार्क्स और बढ़ सकते थे, डिजर्विंग थे जो नहीं मिले, और इतने ही मार्क्स से लोगों का या तो एग्जेम्पशन गया है या तो फिर वो पास होने से बच गए, मतलब बचे नहीं सॉरी फेल हो गए, फेल नहीं होता वो फेल होता है। चलो चलता हूँ सर, घर जाना है, घर पे डांट पड़ेगी एकदम, दिन भर की रिकॉर्डिंग के बाद में जब ये भी करना पड़ता है तो थोड़ा सा वो होता है, क्या होता है, टायर्डनेस। मिलते हैं सर अगली बार, म्यूचुअल फंड की रिकॉर्डिंग चालू है अभी मेरी और इंग्लिश वाली, वो मैं जल्दी देता हूँ अभी थोड़ा सा, बिकॉज आई एम स्टेइंग इन नागपुर और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, तो नागपुर लॉकडाउन है, पुणे लॉकडाउन है, मुंबई भी लॉकडाउन है, बड़ी मुश्किल हो रही है, स्टाफ भी छुट्टी पे, सो देर आई एम फाइंडिंग लिटिल डिफिकल्टी इन रिकॉर्डिंग ऑल्सो, बट स्टिल आई विल मेक इट पॉसिबल जितना भी हो सकता है। बाय बाय फॉर नाउ।